नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बात करेंगे इज़राइल हमास जंग की। इज़राइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन उसी गाजा में हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा बंधक है, जिसमें इज़राइल के नागरिकों के साथ ही विदेशी भी शामिल हैं। और जब युद्ध 24वें दिन में पहुंच गया तो इज़राइल के लोगों का अब सब्र टूटने लगा है। वो अब बंधकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन में हमास पर हमले होते हैं तो उनके अपनों को नुकसान पहुंच सकता है। हमास के लड़ाकों को पाताल से निकाल कर मारने के लिए इसराइल की सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है। चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हवा और समुद्र से भी भारी बमबारी हो रही है ताकि हमास के लड़ाकों को सुरंग से निकलने की हिम्मत ना हो। इज़राइल के सैनिक टैंकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जंग में वो दौर आ चुका है जहां इज़राइल के कमांडो हमास लड़ाकों को उनकी मांग में घुसकर ही ढेर करेंगे। गाजा पहले इज़राइल के हवाई हमलों से तबाह हुआ और अब आसमानी प्रहार से बच निकलने वालों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब इज़राइल की सेना उन ठिकानों तक पहुंच रही है जहां आसमान से बम गिराकर हमास के लड़ाकों को मारना आसान नहीं था। जमीनी लड़ाई में हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इज़राइल जानता है कि हमास के लड़ाके गोरिल्ला प्रहार में माहिर हैं। हमास के लिए युद्ध के नियम कोई मायने नहीं रखते, इसलिए इजरायली सेना को काफी संभल कर ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। हमास के लड़ाकों ने जानबूझकर अस्पताल के करीब ठिकाने बनाए हैं, जिससे इजरायल की सेना कार्रवाई के दौरान उन पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सके। المستشفيات الأغلب المسايب تخبوا من المستشفيات تخبوا إيش؟ تحت يعني؟ فيش لا مثلا الشفا فيها طابق بودرة ممكن في البودرة شفا كبيرة أوكي. مش صغيرة شفا تبع في بتخبوا ما إحنا हमास के पास घातक रॉकेट का भंडार है और वेस्ट बैंक के जेनिन में आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना पर इसी तरह ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले हो रहे हैं। जेनिन में इजरायल ने सैन्य अभियान चलाया है। इजरायल की सेना की मूवमेंट से साफ है कि इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध सेकंड फेज यानी दूसरे चरण में दाखिल हो गया है, जहां पहले चरण से ज्यादा खून खराबा होने की आशंका है। המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע, של האור על החושך, של החיים על המוות. इधर इज़राइल के जमीनी ऑपरेशन का साइड इफेक्ट भी देखने को मिलने लगा है। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी जिसमें बंधकों की तस्वीर थी और लिखा था कि उन्हें अभी घर लाओ। विरोध प्रदर्शन के बाद इज़राइल के रक्षा मंत्री योआओ गैलेंट प्रदर्शन कर रहे परिवारों से मिले। I think that first
the hostages should be free. Not political people or, you know, military people. We are two simple people that try to save our sister. If Moran is listening to us, Moran, we are united together. We love you so much. Continue to be positive as you are. And think about the big hugs we're all going to give you when you come back. And I want you to know that we're doing everything we can to bring you back home as soon as possible. इधर जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुताबिक ऐसा करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अमेरिका के तेवर और इजरायल के एक्शन से साफ है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। हमास भले ही बंधकों के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमास पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया के देश फिलिस्तीनियों के प्रति तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इसराइल को उसके रक्षा के अधिकार का भी समर्थन करते हैं।